Stay alert. अबे ये कितना प्लेन है? Search for vehicles. ये 30 प्लेन है. Excellent work. Search for vehicles. Oh. Search for vehicles. Oh. I got a scope. अस्सलाम वालेकुम गाइस. हंसो भाई, सब लोग हंसो. जो समझ चुका है वो हंसे. कितनी इंसल्ट होती है दोस्तों में हमारी, पर कोई ना दोस्त नहीं कर सकते हैं. तो अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे. तो आज हम आपके लेके आए हैं एक और सिर्फ सेफ गेम प्ले लेके. और यकीन जानो प्लानिंग हमारी यही थी, ये सिर्फ सेफ गेम खेल रहे हैं हम, और शेल्टर उतरेंगे और टोटल सेफ खेलेंगे. टॉप 10 में आके ना फिर खड़े होंगे, वरना हम बस गाड़ी में या तो घूमेंगे या फिर ऐसे वैसे कहीं पे जाएंगे. पर फाइट बिल्कुल भी नहीं लेनी हमें, हमारा प्लान सिंपल ये था. और शेल्टर पे कोई आता भी नहीं है. तो भाई कोई लाइक नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, कोई कमेंट नहीं करेगा अभी तक, क्योंकि इस सेफ गेम प्ले में मतलब देख रहे हो रश में मैं मुश्किल से 3-4-5 किल कर पाता हूँ. और जब मैंने सेफ खेला तो मैंने 14 किल करे. जी हाँ, थंबनेल देख के आप बिल्कुल सही आए, 14 किल होंगे सेफ गेम प्ले में भी. okay. तो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे. तो भाई सबसे पहले हम शेल्टर उतरे, शेल्टर की लूट वूट की, तो हम जा रहे थे सामने. अब ये बंदा दिख गया सबको, मुझे लगा ये बॉट है और मैंने उसको पास जाके मारेंगे. लेकिन भाई देखो क्या करें, 0 किल में सबसे पहले मैं जाके नॉक हुआ हूँ, और फिर जो मेरे टीममेट आ रहे थे भागते हुए वो नॉक हुआ है, जमशेद भाई हमारे. लेकिन अच्छी बात थी, देखो अब बात बताता हूँ मैं आपको, हर किसी के पास एक अलग टैलेंट होता है. जो नंबर 3 है ना, इसके पास अलग टैलेंट है. ये गोलियों से ज़्यादा गाड़ियों से बंदे मारता है. उसने 2 बार जब हम दोनों नॉक पड़े थे, 2 बार इसने गाड़ियों से बंदे मार के हमें बचाया है. इसने देखो गाड़ी से बंदा मार दिया है, बहुत बड़ी बात है ये अगर समझे तो. तो फिर हमने लिया रिवाइव से भाई, हम लोगों हम खुश, हम पागल, हमने बोला क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया. फिर हमने सामने वाली जगह लूट की, बॉट वॉट मारे. यहाँ से हमें बॉट फायर आया था और हम फिर यहीं पे जा रहे थे कि भाई बॉट मारते हैं सबसे पहले मैं आइए. और ये देख, वाओ व्हाट अ सरप्राइज. लेकिन अच्छी बात हुई कि इसकी गोलियाँ कनेक्ट हुई मेरे को, मैं बच गया, वरना मैं दोबारा नॉक हो जाता. और फिर हमने कुछ इस तरह कर दिया, सोलो भी स्क्वाड खेल रहा था, ये भी सेफ खेल रहा था, हम भी खेल रहे थे. फिर हमने प्लेयर खिला दी, एज यू नो हमारी प्लेयर की फास्ट सर्विस. कौन से घर के पीछे, मुझे तो नजर नहीं आ रही कहीं भी. बित मजाक कर रहा है, मेरा मजाक है बेटा. हुआ वो तो फिर बंदे आने शुरू हो गए यहाँ पे. और हमने फिर से, मैं सॉरी थोड़ा मोबाइल में चले गया था मैं, इसलिए मैंने स्क्रीन पर नहीं आई. तो भाई फिर बॉन्ड में, और देखो मैं खुद ही मतलब ड्रॉप नीचे आया और मैं फिसल के आराम से बाहर आ गया. अब देखना गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, मैंने इनको मैप भी मार करके बताया भाई गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, यहाँ से ले आओ. इनको दिख ही नहीं, और अब देखना क्या बोलेगा. वाह मोदी जी, क्या बात है यार तुम्हारी. तो अब दिख गई तुम्हें, अब सीरियस हो जाओ सारे. अब तुम खुद लाइक कमेंट सब्सक्राइब खुद सब कुछ करोगे, क्योंकि 1v10 होने वाला है यहाँ पे. तो ऐसा था, ड्रॉप सामने आएगा तो मैंने बोला भाई मैं यहाँ उतर जाता हूँ, तुम लोग गाड़ी लेके जाओ, तुम दोनों बेड बन जाओ. मेरे पास गिली सूट है 3x M4 खतरनाक, तो मैं यहाँ से तुम्हें फुल कवर दूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि बंदे आएंगे. तो अब इन्होंने बोला ठीक है. अब जो नंबर 2 है ना, ये बहुत दिग्गी आदमी है. देखो वो नंबर 3 हो गया, अभी अचानक से डिस्कनेक्ट हो गया. इसका काम था कि वहीं बैठा रहे, ये आगे ना जाए. मुझे इतनी प्यारी जगह मिल गई, मैं तो खुश हूँ. मतलब देखो मैं क्या करता हूँ, ये जाया जा रहा है, इसको दुनिया से कुछ नहीं लेना, ये जाया जा रहा है. अब नंबर 3 भी आ गया, अब हम उसको बोल रहे हैं. अब देखो गाड़ी भी आ गई, जैसे ही गाड़ी आई है एक बंदा उनका चलती गाड़ी से कूद के मर गया. एक नॉक, गाड़ी घूम के आई, उन्होंने हमारा दूसरा बंदा उसको नॉक किया, गाड़ी यहाँ खड़ी हो गई. एक नॉक, अभी नंबर 3 के देखना ये किस तरह मारेगा, तीसरा बंदा लास्ट बंदा ये किस तरह मारेगा. पूरा स्क्वाड वाइप,
इसने चौथा बंदा मारा गाड़ी से, दो बंदे इसने मारी जान बचाई है ऐसे, समझ रहे हो कितना काम का बंदा है ये। भाई निशान भाई बहुत बहुत शुक्रिया यार आपको बचाने के लिए। तो अच्छी बात ये थी कि हमें फ्लेयर गन भी मिल गई थी, फ्लेयर कैमो भी मिल गया था और बहुत सही लूट हमारे को मिल गई थी, क्योंकि ये चारों बना बहुत सही थे मतलब। और स्कोप स्कोप की भरमार थी हमारे पास, ओजी M4 बेस्ट कॉम्बिनेशन एवर। और फिर हमने बहुत सारी लूट की, मैंने मतलब जितनी देर में उसको रिवाइव मिला ना, मैंने जो जो मेरी चीज़ काम की थी ना, मैंने वो सारी की सारी उठा ली लूट का। और किल्स का नो मजाक स्टार अनोनिमस बाबा। अब मैं ड्रॉप पे जा रहा था, फ्लेयर मिल गया, फ्लेयर चलाई। इस बार फ्लेयर की फास्ट सर्विस नहीं हुई, वो क्यों? क्योंकि हम पे हो गई थी साइड से स्क्वाड आ गया था पूरा, और स्क्वाड भी वाकई स्क्वाड था। ये देखो आ गया ये, तो अब हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए, क्योंकि स्प्रे आ रहा था लेकिन हमें कनेक्ट नहीं हुआ, जो कि अच्छी बात है। ये नंबर टू अलग, इसको दुनिया से ये प्रो बन चुका है, इसको कुछ नहीं चाहिए पबजी से, इसको बस ना मरना है और ये मर भी जाएगा। अब तो अब मेरे पास एक आइडिया ये आया कि देखो हमें स्टार अनोनिमस के फैन स्टूडेंट हैं उनके, तो इस टाइम पे स्टार अनोनिमस भी हाइट पे जाते, क्योंकि हाइट वाला बंदा हमेशा जीतेगा। अब गलती हमसे यूई के सामने जो बंदे हैं ना, वो भी स्टार अनोनिमस की फैन है, वो भी हाइट पे आएंगे, हम भी हाइट पे आएंगे। मसला ये होगा कि मैं खिला जाऊँगा, वो तीनों आएंगे, बल्कि हाँ वो तीन होंगे, या तो एक उन्होंने उनका बंदा टीममेट था ही नहीं, या था तो वो नीचे बैठ के बहुत बहुत प्यारा कवर दे रहा था, मतलब मुझे खा गया था वो। तीन चार बार उसने मुझे 0-1-1-2-2 HP छोड़ा है उसने, मतलब इतना मतलब कोई नसीब था मेरा जो मैं बच रहा था। नंबर टू पहुंच गया, मैं भी पहुंच गया, फिर आवाज़ आ साउंड आता है, मुझे साउंड आता है कि साइड से बंदे आ गए हैं। पहले एक बॉट आ रहा होता है, सॉरी मैं थोड़ा आगे चल रहा हूँ, बॉट वॉट को मारा। यहाँ मेरे हाथ फुल कांप रहे थे, क्योंकि जो भी क्लच हुआ था ना और जो होगा OPWXYZ सब था। वो बंदे आ गए, ये तो इसको तो ऐसे हेड शॉट से घुमाया अपन ने, मसला ही नहीं सर। एक नॉक पीछे बंदा, ये देखो पीछे बंदा, इसकी रीलोड पे लग गई। पीछे बंदा ये बंदा, इसकी बात कर रहा था मैं, 20 को छोड़ दी, इसकी रिलोड पे लग गई और ये भी गया। उसने इन दोनों को फिनिश भी कर दिया और मुझे पता भी नहीं चला। और जब मेरी फिनिश की बारी है तो उसने मुझे सिर्फ 5-6 HP छोड़ के मैं बच गया, वो दोनों गए साइड से स्प्रे और एट अ टाइम हील। वो ये वो बंदा था जिसने आखिर तक मुझे तंग किया है, ग्लिच हुआ। अच्छा हुआ मुझे दरख्त के पीछे बंदा नज़र आ गया ये, और फिर इसको ही मारा। तो तीन नॉक श्रीलंका के, एक नीचे से कवर दे रहा है, ठीक है। तो इनको हमने भाई मारा वारा तो 12 अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हो गए हैं। और अब ये बचता ये बंदा, और ये बंदा इतना से मुझे तंग करा था ना कि भाई देखो कितनी अच्छी छोड़ गई, वेस्ट मिड थर्ड लेवल की पूरी खा गया है। गलती मैंने ये की कि मैंने लास्ट में भी ना, जब जहाँ से जा रहा था तो फ्लेयर गन पड़ी, फ्लेयर ड्रॉप आया हुआ है, एयर ड्रॉप आया हुआ, मैंने थर्ड लेवल के वेस्ट उठाई ही नहीं। मैं जा रहा था आगे, मैंने बोला आगे जाके उसको मारूंगा तो क्या पता लग जाए, क्योंकि मैं यहाँ पे फुल कांप रहा था। और टीममेट्स पागल हो गए, भाई तू कैसे कर रहा है, तुम क्या हैक लगाए हुए क्या भाई? पर 9 महीनों से मर रहे हैं हर बार, सर थोड़ी मरेंगे। ये 16 बंदा था, इसके पास नाइट नाहिद बाजी, इनके पास शायद हमारी वो ऑम थी, तो वो शॉट बस या वरना मैं मर जाता, क्योंकि मेरी थर्ड लेवल डैमेज है, वेस्ट भी और हेलमेट भी, अगर मुझे कनेक्ट होता शॉट तो मैं मर ही जाता। फिर इस बंदे को हमने ज़रा टोटल उठा उठा के बैंड बैंड बजाई इसकी, आराम से तसल्ली से स्पॉट करके, और फिर चलो भाई। तो अल्हम्दुलिल्लाह 14 किल सर ये हो चुके हैं हमारे। आप प्लीज़ लाइक कर दो, कमेंट करो, आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं, बहुत सही तुम लोगों यार, तुम लोग बहुत ज़्यादा सही हो। बस सब्सक्राइब करवाओ थोड़े जल्दी जल्दी यार, 130 सब्सक्राइबर ये थोड़ी होता है। अब सिर्फ दो बंदे बचे हैं, और ये दो बंदे भी सेफ खेल रहे थे, एक बंदा बिल्कुल मेरे सामने है और एक बंदा राइट साइड पर, मतलब उन्होंने मुझे दोनों तरफ से ना देख लिया। अगर दरख्त ना होता तो मैं कब का मर चुका होता। अगर मैं इसको मार देख लो तो साइड वाला मार देगा, साइड वाले को मारूंगा तो ये आके ऊपर से जंप करके मार देगा। वेस्ट हेलमेट मेरा डैमेज है, इस वजह से मैं आगे नहीं जा रहा, इस वजह से मैं फाइट नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे पता मुझे यहाँ तो ये पता चल गया था कि गेम वन साइड हो चुका है, मैं मर जाऊँगा, क्योंकि वेस्ट आपकी डैमेज है, हेलमेट डैमेज है, तो कुछ हो ही नहीं सकता। सामने वाले जाहिर बात है ग्रोजा एम के लेके बैठे, मजाक थोड़ी है। ये बंदा यहाँ पे आया, उसने नेट पिन कर लिया, 20 मीटर से दूर था तो मुझे साउंड नहीं आया। अब मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी नेट कर दूँ और फिर देखते क्या होता है।
इतनी देर में नेट आया, मैं मर गया। बहरहाल जो भी था बहुत ओपी गेम प्ले हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सिर्फ इसमें आपका ही हाथ है जो ये वीडियो देख रहा है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और बस यार ऐसे ही सपोर्ट करते रहो मुझे। 1700 का डैमेज सर, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में कोई बहुत सी ओपी। सब्सक्राइब करो यार अपने दोस्तों से, 130 सब्सक्राइबर है सिर्फ। और लाइक करो, कमेंट करो, करो कमेंट आपके बहुत एनर्जी देते हैं। तो मेरी पिछली वीडियोस को जाके ना मतलब देख लो, चूँकि उन पर बहुत कम व्यू आए हैं। पिछली दो वीडियोस जाके प्लीज़ देख लो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।